नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज में भारत विकास परिषद ने प्रथम सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 11 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया। वहीं शहरवासियों ने बाराती बनकर वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बारात में भारत विकास परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं समेत सितारगंज वासी जमकर थिरके। सामूहिक विवाह का आयोजन करण पैलेस में भारतीय विकास परिषद ने करवाया। शादी में वैवाहिक जोड़ों को घर के सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी भारत विकास पदाधिकारी महेश मित्तल ने बताया कि बहुत से गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी का बीड़ा भारत विकास परिषद उठाता है और उनके सुखी जीवन की मंगल कामना के साथ उनकी शादियां करवाता है। महेश मित्तल ने कहा कि लड़कियों की शादी पुण्य का काम है। परिषद पुण्य का काम करने के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जैसे मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन, कृत्रिम अंग वितरण, रक्तदान शिविर और आपदाओं के समय सेवा कार्य करता रहता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में खुद का रुतबा ऊंचा दिखाने के लिए दहेज लेन देन पर प्रचार चल रखा है, जिस कारण कई घर उजड़ भी रहे हैं। स्वस्थ समाज और समाज के विकास के लिए कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है। भारत विकास परिषद 5 सूत्रों के माध्यम से कार्य करता है। परिषद सेवा, समर्पण, सहयोग और संस्कार के माध्यम से जनहित का कार्य करता है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। कितने लोगों का इसमें विवाह होना है और किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? भारत विकास परिषद हमारी एक सामाजिक संस्था है। इसके 5 सूत्र हैं, सेवा, समर्पण, सहयोग, संस्कार, और इन 5 सूत्रों के आधार पर हम लोग समाज के अंदर सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। कहीं पर भी कोई क्षेत्र के अंदर कोई बाढ़ आती है, कोई अग्निकांड हो जाता है, रक्तदान शिविर है, निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन का मोतियाबिंद का शिविर है, स्वास्थ्य शिविर है, ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जो भारत विकास परिषद हमारी शाखा आयोजित करती है। और इसी क्रम में हमने इस बार निर्णय लिया कि प्रथम बार जो है हमने सरल सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। और आज हमारा वो निर्णय, हमें लगता है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा निर्णय था। 11 निर्धन कन्याओं का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में यहाँ करण गार्डन है, यहाँ पर हम आयोजित कर रहे हैं। और क्षेत्र की जितनी प्रबुद्ध जनता है उनका भरपूर सहयोग हमें इसमें मिला है। और लोगों के मन में कई बार आशंकाएं होती थी कि कोई भी संस्था कार्य करती है तो क्या वो उसमें जो बजट है वो उचित लगता है, और भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जिसमें लोगों का विश्वास है। ये तमाम जो सामान है दहेज का, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, शहर के सामाजिक लोगों के माध्यम से, जो उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उन लोगों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और सबके सहयोग से इतना सुंदर कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। और हमें लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहेगी और हम इस कार्य में अपनी आहुति देते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।